नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से पूरा देश परेशान है। कई राज्यों में पूर्ण तो कहीं आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ है। पुलिस पर अब ना सिर्फ क्राइम रोकने की जिम्मेदारी है, सरकार द्वारा बनाए गए कोरोना के गाइडलाइंस का लोगों से पालन करवाना भी पुलिस की ही जिम्मेदारी है। हैरानी की बात अब भी यही है कि लाखों लोगों के रोजाना संक्रमित होने और मौत के बाद भी लोग अभी भी मास्क लगाने को लेकर गंभीर नजर नहीं आते। आए दिन ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आते रहते हैं जब पुलिस सड़कों पर लोगों से मास्क लगाने की अपील करती नजर आती है। मुंबई भी इन दिनों कोरोना की भयानक मार से जूझ रहा है। हालांकि राहत की खबर ये है कि कुछ दिनों से मामलों में थोड़ी कमी जरूर आई है। मुंबई पुलिस की सोशल मीडिया टीम आए दिन अपने क्रिएटिव ट्वीट्स को लेकर चर्चा में रहती है। अब जब कोरोना को लेकर पुलिस का काम बढ़ गया है, तब भी मुंबई पुलिस की सोशल मीडिया टीम इंटरनेट पर और ज्यादा एक्टिव हो गई है। इस महामारी से बचने के लिए लोगों को फेस मास्क पहनने और घर पर रहने के महत्व के बारे में याद दिलाने के लिए वो लगातार पोस्ट कर रहे हैं। मुंबई पुलिस के ट्विटर पर हालिया पोस्ट ने सबका ध्यान खींचा है। इस बार मास्क पहनने और घर में रहने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए टॉम एंड जेरी कार्टून की एक मजेदार क्लिप शेयर की गई है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में दिखाया गया है कि टॉम एक और छोटी बिल्ली को बिना किसी कारण के घर से बाहर जाने से रोक रहा है। यहाँ टॉम ने पुलिस का प्रतिनिधित्व किया है, जो लोगों को सतर्क रहने और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कह रहा है। मुंबई पुलिस ने वीडियो कैप्शन में लिखा है, कृपया बिना कारण या चेहरे पर बिना मास्क के बाहर ना जाएं। लोगों को पुलिस का यह अंदाज बेहद पसंद आ रहा है। इस वीडियो को अब तक 5,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 3,915 मौतें और 4,00,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। अधिकतम मामले दर्ज करने वाले टॉप राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु से आए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।